सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप ये आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के मैं इस न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ, मेरे टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। वैसे बता दूँ कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम आईडी कौन कौन से आपके फ़ोन में लॉगिन है, कौन कौन से फ़ोन में आपका लॉगिन है, इंस्टाग्राम आईडी कैसे पता करना है गाइस, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा गाइस। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको कैसे पता करना है देखिएगा, ये अपडेट होने के बाद सब चेंज हो जाता है सेटिंग, ये भी चेंज हो चुका है। तो कैसे करना है मैं आप लोग को बता दूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है आपने फ़ोन के। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है रील्स के बगल में, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे थ्री लाइन्स दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है आप लोग को। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे, उस पर आप लोग को टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे सेट अकाउंट सेंटर, नोटिफिकेशन, टाइम स्पेंट, और यहाँ पे टाइम स्पेंट सब दिखाते हैं कितना समय तक आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये सब बहुत सी चीज़ दिखाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट सेंटर पे क्लिक कर लेना है गाइस। और क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं और ऐसा लोडिंग होने के बाद आप लोग का ऐसा पेज आप लोग के सामने ओपन होगा। तो उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, अकाउंट्स, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, योर इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेना है गाइस। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए चेंज पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। और लॉगिन अलर्ट, आपका कोई अगर फ़ोन में अभी लॉगिन करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे डायरेक्ट मैसेज आ जाता है। और यहाँ पे कौन कौन से फ़ोन में लॉगिन है वो चेक करने के लिए यहाँ पे वेयर यू आर लॉगिन, इस पर क्लिक कर लेना आप लोग को। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अंशु चौधरी जो दिख रहा है मेरा आईडी, उस पर आप लोग को टैप कर देना है। और टैप करने के बाद देखिएगा ये फ़ोन में मेरा अभी रियलमी 3i में मेरा आईडी अभी लॉगिन है गाइस। और दूसरे फ़ोन में रहता है तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, यहाँ पे जो भी फ़ोन में होते हैं वहाँ पे आ जाएगा गाइस। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।